नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे और मजे में होंगे। सो आज का जो व्लॉग है वो डेडिकेटेड है हमारी कार के लिए, जो हमने नई वैक्यूम क्लीनर ली है, जो कि 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है, टायर इन्फ्लेटर के साथ आता है। तो फटाफट इस सस्पेंस को डिस्क्लोज कर दें कि हमने कौन से ब्रांड का वैक्यूम क्लीनर लिया है। ये वो वैक्यूम क्लीनर है जो हमने परचेज किया है अमेजोन से। चलिए आइए इसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, और इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो टू स्टार्ट ऑन विद, ये रहा वॉशर का ब्रांडिंग। ये बेसिकली 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है, क्योंकि इसमें कार टायर इन्फ्लेटर भी मिल जाता है, जैसे कि कार में हवा वगैरह भरने का जो भी जरूरत है, एंड वैक्यूम क्लीनर दोनों एक साथ आती है। 1+1 एक्सटेंडेड वारंटी इसमें मिल रहा है आपको, एंड ये कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, जैसे कि 12 वोल्ट डीसी वोल्टेज लगेगी, 5500 का सक्शन पावर है इसका, एंड 120 वॉट की पावर ये प्रोड्यूस करती है। मॉडल की स्पेसिफिकेशन यहाँ दी गई है, मॉडल है 578। सो इसका पैकेजिंग कुछ ऐसा है, स्लीक सा बॉक्स है, बहुत हैवी नहीं है, एंड कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए हम फटाफट इसके अंदर जाके देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या फिटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। तो आइए चलिए क्विकली आपको दिखाती हूँ कि उस बॉक्स में था क्या क्या। जैसा कि आप देख रहे हो, ये कवर्स भी नहीं हटे हैं अभी। सो ये बेसिकली कैरी बैग है, सो आपके अपना जो भी वैक्यूम क्लीनर का मेन मशीन है और सारी चीजों को आप इसमें आराम से रख के अपनी कार में रख सकते हो। ये ब्रोशर प्रोवाइड की गई है, इसमें एक्स्ट्रा फ्यूज है और डिफरेंट कनेक्टर्स प्रोवाइड की गई है, प्लस ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हो ना वॉशर की ब्रांडिंग के साथ, ये बेसिकली परफ्यूम टैग है, तो आप इसको कार में कहीं भी ऐसे ही हुक करके रख दे सकते हो। और ये बेसिकली आपके जो है ना, ये टायर इन्फ्लेटर के समय जब आपको हवा वगैरह भरने की जरूरत होगी टायर में, तो उस समय इसका यूज होगा। ये नॉर्मल जो वैक्यूम क्लीनर का अटैचमेंट है, इसका ब्रश कुछ ऐसा है। सो देखिए आप उसका फ्लोर, कार वगैरह का फ्लोर वगैरह साफ करने में ये बहुत इजी हो जाएगा। ये भी एक स्लीक सी अटैचमेंट दे रखी है, जहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपकी ये नॉर्मल जो ये अटैचमेंट है उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उस केस में आप इसको फिट करके और आराम से यूज कर सकते हो। ये मेन मशीन है, देखिए दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत स्लीक, बहुत लाइट वेट है और बहुत स्टाइलिश है एक्चुअली। और ये जो आप देख रहे हो ना मीटर, ये बेसिकली आपको जब आप हवा वगैरह भरने के लिए टायर इन्फ्लेशन वाला यूज करोगे, तो ये मीटर की रीडिंग आपको उस वक्त यूज में आएगी। तो कुछ बहुत लाइट वेट है, काफी अच्छा है, काफी स्लीक है और काफी हैंडी है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको उठाने में, मतलब वेट है ही नहीं इसमें। और देखिए इसकी वायर कितनी लंबी दे रखी है कि आप बड़ी से बड़ी गाड़ी के लिए भी, कार के लिए आराम से इसको यूज कर सकते हो। यही वो प्लग है जो हम लोग 12 वोल्ट की सॉकेट में इसको डालेंगे, जो कि जैसे कि सिगरेट लाइटर वगैरह होती है कार के अंदर, तो उसमें आप प्लग इन कर सकते हो। सो आइए फटाफट ये जो मेन मशीन है ना, इसका मैं दिखा देती हूँ आपको। तो जब इन्फ्लेटर की जरूरत पड़ेगी तो कुछ इस तरह से आप इन्फ्लेट वाला ऑप्शन यूज करोगे, और वैक्यूम क्लीनर के लिए जब आपको यूज करना है तो बस इसको ऊपर की तरफ पुश कर दोगे। बहुत इजी सा, मतलब एक्सेस दे रखा है, बहुत ही इजी टू एक्सेस बटन है। तो ये देखो, ये लाइट की छोटी सी स्विच दे रखी है, एंड यहाँ पे उस लाइट का थ्रो आएगा जब भी आप स्विच ऑन करोगे। तो होता क्या है, जनरली कार में ना कॉर्नर वगैरह में जो कार का लाइट होता है वो पहुंच नहीं पाता है, तो उस केस में जैसे कि आप इस लाइट को यूज करके और आराम से वहां की क्लीनिंग कंप्लीट कर सकते हो। आइए चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। तो ये वो स्विच है जहां से आप इसको आराम से, देखिए इसको इजीली आप निकाल सकते हो, एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे एक छोटी सी हिबा फिल्टर दे रखी है इसमें, तो ये बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी का फिल्टर होता है, एंड आप इसके हेल्प से ड्राई और वेट क्लीनिंग सारी तरह की पर्पस ये वैक्यूम क्लीनर आपकी सर्व कर देगी। तो जनरली आप जब डस्टिंग करोगे, तो मैं एक बार डेमो तो दूंगी ही, तो इसमें वो डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। अब फटाफट हम जाएंगे नीचे और आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि कैसे बेसिकली इसको लाइफ मतलब रियल टाइम यूज करना है, एंड हाउ इज द परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये सारी चीजें हम फटाफट अपने कार में जाके आपको दिखाते हैं। सो
यही बेसिकली वो वैक्यूम क्लीनर का जो मेन वाला मशीन है ना, है जिसको यूज करके हम क्लीन करने वाले थे। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए, है ना। तो इसको फटाफट यूज करेंगे, क्लीन करेंगे और फिर देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है रियल टाइम बेसिस पे। सो आई होप आप देख पा रहे होंगे कि देखिए कितनी सारी डर्ट यहाँ पे, जो ये फुट पेडल वगैरह है ना, यहाँ पे ये किनारा, ये सब पे पूरी गंदगी जमी हुई है, है ना। मैं आपको एक क्लोज पिक्चर देती हूँ, ये देखिए। एंड मैट भी काफी गंदा हो रखा है, देखिए काफी डस्ट है इधर, और बहुत बहुत मतलब माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स भी है जो कि इसके अंदर जाके बैठे। तो इस स्विच को यूज करके मैं वैक्यूम क्लीनर को ऑन कर रही हूँ, एंड चलिए आपको फटाफट दिखाते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये देखिए, देखिए कितना अमेजिंगली ये क्लीन कर रहा है यार, मतलब इसकी सक्शन काफी अच्छी है, देख रहे हो आप। ये देखो है ना, वो डस्ट पूरा क्लीन कर दे रहा है। अब जो पानी वानी वाले धब्बे हैं उसकी बात अलग है, नहीं तो देखो पूरा अच्छे से क्लीन कर दे रहा है ये, है ना। ये देखिए पूरा डस्ट क्लीन कर दिया एकदम मस्त वाला। अब ये देखिए यहाँ पे काफी सारे पार्टिकल्स हैं, देखते हैं इसको ये ले। अरे हाँ यार, ये बड़े बड़े मोटे पार्टिकल्स को भी पुल कर ले रहा है, ठीक ठाक पुल कर ले रहा है, देखिए ठीक है, क्लीनिंग अच्छी है। फिटमेंट को निकालती हूँ, काफी सारा डस्ट हो गया है यार, मतलब मुझे इतनी की उम्मीद नहीं थी इससे ऑनेस्टली। और ये देखिए आप देख पा रहे हो ये कॉर्नर में काफी सारे डस्ट जो जमे हुए हैं, ये सारे मैट और वो जो हमने लेग ये का किनारा साफ किया है ना, उससे निकला है। तो चलिए फटाफट इसमें जो भी डस्ट एक्यूमुलेट हुआ है ना, हम उसको निकाल के साफ करेंगे। देखो कितनी सारी गंद इसमें जमी हुई है, एंड ये देखिए बहुत सारा डस्ट था इसके अंदर। सो इसी बेसिकली ये देखिए, ये 12 वोल्ट 180 वॉट का जो ये सॉकेट है ना, इसी में हम इस प्लग को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ये आराम से फंक्शन करेगा। वायर सफिशिएंट दी गई है, ये एक 7 सीटर कार है तो उस हिसाब से वायर भी मतलब काफ़ी लंबा और बढ़िया सा दे रखा है, तो आपको क्लीनिंग में किसी भी तरह की ट्रबल नहीं आएगी। ये स्टिफ स्पेसेस पे जा कर के भी इक्वली क्लीन कर लेगा। आइए चलिए फटाफट आपको टायर इन्फ्लेटर का यूज केस दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो ना, हमारी कार की डिजिटल मीटर में रीडिंग दिखा रही थी कि इस सामने वाले व्हील में हवा थोड़ा कम है, तो हम फटाफट जैसे कि आप देख पा रहे होगे इट्स 30 ओनली, जबकि कुछ 33 होना चाहिए, है ना। तो हम इसको फटाफट इन्फ्लेट करेंगे और आपको हवा भर के दिखाते हैं। तो ये मैं इन्फ्लेटर ऑन करती हूँ, ये काफ़ी आवाज़ करता है यार, इसको ऑन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए ये फटाफट फिल हो गया है और अब मैं इसे ऑफ करती हूँ। एंड जैसा कि आपने देखा 30 के नीचे ही था और अभी देखो 30 के ऊपर इसका ये चला गया। बहुत ही क्विकली फंक्शन करता है, मतलब अमेजिंग है, पावरफुल है इसका टायर इन्फ्लेटर भी, तो इट्स गुड टू गो। बहुत ही इजी सा प्रोसेस था, ये वाली अटैचमेंट को हमने यूज किया था। तो देखिए ये अटैचमेंट कैसे फिक्स करते हैं टायर इन्फ्लेटर का, वो मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर दे रही हूँ। ये देखिए है ना, इतना इजी है इसको प्लग इन करना। ये देखिए अभी हमने हटा दिया एंड यहाँ से भी अटैचमेंट निकाल लिया, एंड दैट इजी है ना। ये देखिए ये लाइट, अभी मैं इसको ऑफ करूँगी, देखो ऑफ हो गया, ये देखो ऑन हो गया। सो जैसा कि आपने देखा ना, इसकी परफॉर्मेंस वाइज मुझे इसे कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत ही परफेक्ट, मतलब जितनी प्राइस हमने पे की है ना उस हिसाब से आराम से ये जो मशीन है
ये टोटली वर्थ इट है। कभी खाने पीने का सामान गिर गया, कभी कुछ भी गिर गया, तो आराम से इसे क्लीन कर लो। वेट ड्राई सारी क्लीनिंग ये करता है, आपके टायर को भी इन्फ्लेट कर सकता है। तो ओवरऑल इफ यू आस्क मी, इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट, वर्थ द मनी। ये प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, अमेजोन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको लेना हो तो फॉर श्योर आप इसको रेफर कर सकते हो। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शो अस योर सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे इन टच।